नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में कितना बड़ा असर डाल सकती हैं? आज हम एटॉमिक हैबिट्स की एक गहरी यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां हम हर एक चैप्टर को समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे परिवर्तन हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स एक बेस्ट सेलिंग किताब है जिसे जेम्स क्लियर ने लिखा है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में हम सीखते हैं कि अच्छी आदतें कैसे अपनाई जाएं जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। इस पुस्तक में हमें इन आदतों को बनाए रखने में मदद करने के लिए विशेष सुझाव दिए गए हैं, भले ही हम कभी कभी गलती करते हों। इन युक्तियों का पालन करके हम अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि सफल होने के लिए हमें वास्तव में कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता है। कभी कभी लगातार छोटे छोटे काम करने से हमें बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स बताती है कि यह कैसे काम करता है। परमाणु का मतलब बहुत छोटी या बहुत शक्तिशाली ऊर्जा हो सकता है। आदतें वो चीजें हैं जो हम हर दिन करते हैं, तो परमाणु आदतें छोटी छोटी चीजें हैं जो हम नियमित रूप से करते हैं, जो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। एटॉमिक हैबिट्स नाम की यह किताब इस बारे में है कि हर दिन छोटी छोटी चीजें अलग तरीके से करके अच्छी आदतें कैसे बनाई जाएं। यह आपको अपने रोजमर्रा के जीवन में बदलाव करने के तरीके सिखाता है, जो आपको ऐसी आदतें बनाने में मदद करेगा जो आपके लिए अच्छी है। इस किताब को और अधिक समझने के लिए हम इसके बारे में अलग अलग खंडों में बात करने जा रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक किसे पढ़नी चाहिए? यह किताब उन लोगों के लिए है जो बहुत सफल होना चाहते हैं, अपनी आदतों को समझना चाहते हैं, मनोविज्ञान के बारे में सीखना चाहते हैं और अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलना चाहते हैं। परमाणु आदतें पढ़कर आप सीखेंगे कि अपनी आदतों को कैसे सुधारें और अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें। हम किसी भी उबाऊ काम को और अधिक मनोरंजक कैसे बना सकते हैं। हम हर समय चीजों को एक ही तरह से करना कैसे सीखते हैं। हमने अपना छोटा मोटा काम पूरा क्यों नहीं किया। अध्याय 1, परमाणु आदतों के मूल सिद्धांत। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर ने आदतों के मूल तत्व पर ध्यान दिया है। उन्हें बताया गया है कि छोटी छोटी आदतों का बड़ा असर होता है हमारे जीवन पर। एक छोटा परिवर्तन भी हमारे जीवन में बड़ा फर्क ला सकता है। अध्याय 2, परमाणु आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। यहाँ हमें स्पष्ट होता है कि छोटी छोटी आदतों का कितना बड़ा प्रभाव होता है। जेम्स क्लियर ने कुछ मिसाल दी है, जैसे कि एक क्रिकेटर का 1% का सुधार उसके प्रदर्शन पर कैसा बड़ा असर डाल सकता है। अध्याय 3, आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे आकार देती हैं और इसके विपरीत। इस चैप्टर में क्लियर ने बताया है कि हमारी आदतों को कैसे प्रभावित करती हैं और हमारी आदतें हमारी आदतों को कैसे प्रभावित करती हैं। उन्हें यह भी बताया गया है कि अगर हम अपनी शख्सियत को बदलना चाहते हैं तो हमें पहले अपनी आदतों को बदलना होगा। अध्याय 4 सरल चरणों में बेहतर आदतें कैसे बनाएं। यहां जेम्स क्लियर ने 4 सरल कदम बताए हैं जिन्हें फॉलो करके हम बेहतर आदतें बना सकते हैं। उन्हें बताया गया है कि हमें संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार को समझना होगा और फिर उन्हें सुधारना होगा। अध्याय 5, इसे स्पष्ट करें। इस चैप्टर में उन्हें बताया गया है कि हमें अपने आसपास के माहौल को ऐसे बनाना चाहिए जिसमें हमारी नई आदतें पकड़ना आसान हो। उन्हें यह भी बताया है कि हमें अपने लक्ष्यों को सामने रखना चाहिए ताकि उन्हें भूल ना जाए। अध्याय 6, इसे आकर्षक बनाएं। यहां क्लियर ने बताया है कि अगर हम अपनी आदत को बनाने का तरीका आकर्षक बनाएंगे तो हम उसे ज्यादा समय तक निभा सकते हैं। उन्हें यह भी बताया गया है कि हमें अपने माहौल को ऐसा डिजाइन करना चाहिए जो हमारी नई आदतों को सपोर्ट करे। अध्याय 7, इसे आसान बनाएं। इस चैप्टर में क्लियर ने बताया है कि अगर हम अपनी आदत को बनाने का काम आसान बनाएंगे तो हम उसे ज्यादा कंसिस्टेंट रूप से निभा सकते हैं। उन्हें यह भी बताया गया है कि हमें अपने माहौल को ऐसा डिजाइन करना चाहिए जो हमारे लिए आसान बने। अध्याय 8, इसे संतुष्टिदायक बनाएं। यहाँ उन्हें बताया गया है कि हमें अपनी आदतों का आनंद लेना चाहिए। जब हमें एक आदत को निभाने में मजा आता है तो हम उसे ज्यादा समय तक निभा सकते हैं। तो दोस्तों, यह सब इस बारे में है कि हम अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमें आशा है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब अपनी किसी भी बुरी आदत को बदलने का प्रयास करें।
ये ऐसी आदतें हैं जो वास्तव में हमें लंबे समय तक खुश नहीं रखती हैं। ये हमें केवल थोड़े समय के लिए अच्छा महसूस कराती हैं। इसके बजाय अच्छी आदतें विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको सच्ची खुशी, शांति और सफलता दिलाएगी। ये अच्छी आदतें आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने और सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद करेंगी। ये कुछ मुख्य भाग एटॉमिक हैबिट्स का सारांश है। क्या किताब से हमें ये समझ आती है कि छोटी छोटी आदतों का बड़ा असर होता है हमारे जीवन पर? अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है।